हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा आज पोइम नंबर 4 शुरू होने वाला है। और इससे पहले हमने 3 पोइम्स के बारे में पढ़ा, और एक बार मैं आपको फटाफट से तीनों पोइम्स और उन तीनों के जो पोइट हैं उनके नाम रिकैप करवा देता हूँ। फर्स्ट पोइम हमने पढ़ी रिस्क, और रिस्क के जो पोइट हैं उनका नाम था जेनेट रेंट। सेकंड पोइम हमने पढ़ी थी माय गुड राइट हैंड, और उसके पोइट का नाम है चार्ल्स मैके। और तीसरी पोइम हमने पढ़ी थी द लोटस, और उसके पोइट का नाम था तोरू दत्त। और आज हम बात करने जा रहे हैं एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। एलजी मीन्स होता है शोक गीत। क्या होता है? एक शोक गीत। किसी भी अपने नियर और डियर या किसी प्रिय की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत जो होता है उसको हम बोलते हैं एलजी। क्या बोलते हैं? एलजी। ठीक है कि अब यहाँ हमारा जो पोइम का नाम है वो क्या हुआ? एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। कि इस पोइम को कंपोज करने वाले जो पोइट हैं, पोइट का नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। क्या नाम है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो इस तरह से आपको चारों पोइम्स और चारों पोइट के जो नाम हैं वो कम से कम याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने पोइम का नाम पढ़ा पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। तो एलजी, एलजी एक दुखद, एक शोक गीत होता है जो अपने प्रिय की मृत्यु पर गाया जाता है। तो एलजी का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा इस पोइम की थीम के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इसमें पोइम में कवि हमें बताना चाहता है कि किस प्रकार से एक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति केवल जब प्रार्थना करता है उस समय ही धर्मप्रायण, धर्मनिष्ठ जीवन जीता है। उसके अलावा फिर वो एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर देता है। और इस प्रकार से एक कुत्ते की और उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? दोस्ती। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो उस कुत्ते और उस व्यक्ति में की आपस में दुश्मनी हो गई, और उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट खाया। अब उस कुत्ते के काटने के बाद लोगों में ये भ्रम पैदा होने लगा, लोगों में विश्वास होने लगा कि शायद अब ये व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन होता है इससे अपोजिट, कि वो कुत्ता तो नहीं मरता, वो व्यक्ति तो नहीं मरता, लेकिन वो कुत्ता खुद मर जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल इजीली। पूरे तीनों के तीनों स्टैंजा बिल्कुल आपके कैमरे में हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। उसके बाद आप वन बाई वन करके पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करें स्टैंजा नंबर फर्स्ट। स्टैंजा नंबर फर्स्ट में देखिए, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट। एक होता है SORT, सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार, और एक होता है नेक्स्ट में देखिए SHORT, सॉर्ट मीन्स छोटा या कम। ठीक है, तो यहाँ सॉर्ट का मतलब टाइप से है, प्रकार से है। तो कवि कहना चाह रहा है गुड पीपल, कि हे भले लोगों, ऑल ऑफ एवरी, सभी सॉर्ट होता है प्रकार, कि सभी प्रकार के भले लोगों, कि सभी लोगों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हे सभी प्रकार के भले लोगों, गिव ईयर। गिव ईयर ये फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है लिसन, सुनना, कि आप सुनो। अनटू जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है टू, उसका ओल्डन रूप है अनटू, तो टू होता है किसी की ओर। गिव ईयर कि सुनो, किसको सुनो? टू माई सॉन्ग, मेरे गाने को। तो कवि कह रहा है कि हे सभी प्रकार के भले लोगों, आप मेरे गाने को सुनो, कि जो गाना मैं गाने जा रहा हूँ उसको आप सुने। एंड और कह रहा है इफ़ यदि यू फाइंड इट, कि तुम्हें लगे इट यह वंडरियस सॉर्ट, वंडरियस सरप्राइजिंग और सॉर्ट यानी कम, अगर ये मेरा गाना आपको कम आश्चर्यजनक लगे, कि एक बार आप इस गाने को सुनने की कोशिश करें जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, और अगर ये गाना आपको कम आश्चर्यजनक लगे, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। होल्ड का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करना, लगा के रखना, ठीक है, समय को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, कि ये जो मेरा गाना है ये आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा, क्या आप एक बार मेरे गाने को सुनिए, और ये गाना अगर आपको कम आश्चर्यजनक लगे तो ये गाना आपका ज़्यादा समय बर्बाद भी नहीं करेगा। तो पहला स्टैंजा आपने सुना कि कवि ने कहा कि हे सभी प्रकार के भले लोगों, आप मेरे गाने को सुनिए, और ये गाना अगर आपको कम आश्चर्यजनक लगता है तो भी ये आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा। स्टैंजा नंबर टू के बारे में देखिए, अब आप इन
आइलिंगटन, अब यहाँ एस साइलेंट है, इन आइलिंगटन, आइलिंगटन एक कस्बा है जहाँ पे कवि ने कुछ अपना कुछ समय बिताया था, अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताए थे इन आइलिंगटन, कि आइलिंगटन नामक स्थान पर देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति रहा करता था, कौन रहा करता था, एक व्यक्ति। अब कवि कह रहा है कि जब मैं वहाँ अपने उम्र के अपने जीवन के कुछ समय मैंने वहाँ बिताया था आइलिंगटन में, तो वहाँ एक व्यक्ति रहता था और ऑफ होम, जिस व्यक्ति के बारे में, होम किसके लिए आ रहा है, उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के बारे में द वर्ल्ड, कि ये दुनिया के लोग, ये दुनिया माइट से कह सकती थी कि वो व्यक्ति जो वहाँ रहता था आइलिंगटन में, उस व्यक्ति के बारे में ये दुनिया कह सकती थी दैट कि स्टिल, अभी भी, कि इस कलयुग में भी, अभी भी इस युग में भी, ए गॉडली रेस, एक धर्मनिष्ठ जीवन, गॉडली रेस, एक धर्मनिष्ठ जीवन ही रैन, वो जीता था, कि वो व्यक्ति जो आइलिंगटन नामक कस्बे में रहता था उसके बारे में दुनिया ये कह सकती थी कि वो व्यक्ति अभी भी एक धर्मनिष्ठ जीवन जीता था। और कब जीता था वो धर्मनिष्ठ जीवन, व्हेन एवर, जब कभी भी, ही वेंट, वह जाता था टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए, कि वो केवल जब प्रार्थना करता था उसी समय केवल एक धर्मनिष्ठ जीवन जीता था, और प्रार्थना करने के बाद जब बाहर आता था, वापस आता था, तो फिर वो सामान्य जीवन जीना शुरू कर देता था। ठीक है, तो केवल वो अपनी जो एक धर्मनिष्ठ जीवन जीता था, वो कब जीता था, प्रार्थना के समय। कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि केवल जब भगवान की भक्ति करते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, तो भगवान की भक्ति से जैसे उठे उसके बाद फिर सामान्य वही जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो अब तीसरा स्टेंजा की बात करेंगे हम। अब उस व्यक्ति की अगली विशेषताएं बताई जा रही हैं। अभी आपने उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा कि वो व्यक्ति इस युग में भी एक धर्मनिष्ठ जीवन जीता था, और केवल कब जीता था, जब वो प्रार्थना करता था। स्टेंजा नंबर थर्ड की बात करेंगे। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, काइंड मीन्स दयालु, जेंटल मीन्स सौम्य या विनम्र, और हार्ट यानी हृदय, ही हैड उसका था, अर्थात वो व्यक्ति जो था वो कैसा था, बहुत ही दयालु और सौम्य था। कैसा था, दयालु और सौम्य था। टू कम्फर्ट, सांत्वना देने के लिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, एंड फोज, फोज होता है दुश्मन, शत्रु, कि वो अपने दुश्मनों को भी और अपने दोस्तों को भी क्या देता था, सांत्वना देता था। इस प्रकार से वो बहुत ही दयालु और सौम्य दिल वाला व्यक्ति था। द नेक्ड, नेक्ड होता है वस्त्रहीन या नग्न लोग, कि जो वस्त्रहीन और जो बेचारे नग्न व्यक्ति होते थे, एवरी डे, प्रतिदिन, ही क्लेड, उन नग्न और वस्त्रहीन लोगों को, ही मीन्स वह, क्लेड मीन्स होता है वस्त्र पहनाना, अब सेकंड फॉर्म है, कि वो जो बेचारे वस्त्रहीन और नग्न लोग होते थे उनको वो प्रतिदिन वस्त्र पहनाता था। और कब पहनाता था, उसका विचार देखिए, व्हेन, जब, ही, वह, पुट ऑन होता है पहनना, ये फ्रेजल वर्ब है, जब वह पहनता था हिज क्लोथ्स, अपने वस्त्र, अर्थात अगर वह व्यक्ति खुद कपड़े पहन लेता था तो भी ये मान लेता था कि जैसे मानो मैंने नग्न और वस्त्रहीन लोगों को कपड़े पहना दिए। तो कहने का मतलब कि वो खुद कपड़े पहनता था लेकिन ये मान लेता था, ये उसकी धारणा बन जाती थी कि उसने जैसे मानो जो वस्त्रहीन और जो नग्न लोग हैं बेचारे उनको उसने कपड़े पहना दिए थे। तो कहने का मतलब कि वो परोपकार कुछ भी नहीं करता था लेकिन जब वो खुद का कोई काम कर लेता था तो ये मान लेता था कि जो काम उसने अपनी भलाई के लिए किया है उसी में लोगों की क्या हो गई, भलाई हो गई। तो ये तीन स्टैंजा आपने ध्यान से पढ़े, बुक के माध्यम से आप भी एक एक स्टैंजा को ध्यान से पढ़ें, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अगली जब क्लास शुरू होती है उसमें आप और अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए जो स्टैंजा हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, और मैंने आपको बता दिया है कि एक्सप्लेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे पोइट्री सेक्शन कंप्लीट होने के बाद। और तीसरा स्टैंजा आपका सेकेंडरी एग्जाम 2008 में आया हुआ है। ठीक है, ओके, बाय।